everyone, welcome back to our channel Reality 360 Degree. I am your host Jolly Yadav. दोस्तों हमारे चैनल पर जो मोस्टली व्यूअर्स हैं वो या तो होम बायर्स हैं या फिर पोटेंशियल बायर्स हैं जो कि अभी मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को विजिट कर रहे हैं एंड उनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं. तो बेसिकली ओवरऑल जो हमारे मोस्टली व्यूअर्स हैं वो सबके सब होम बायर्स ही हैं एंड उनकी इस प्रोसेस को आसान करने के लिए मैं आज की ये वीडियो लेकर आई हूँ. आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें मैं होम बायर्स को कुछ टिप्स दूंगी, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दूंगी जिसको सुनने के बाद आपकी जो होम बाइंग की प्रोसेस है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी. टू समराइज, आज की ये वीडियो होम बाइंग टिप्स के अराउंड होने वाली है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नंबर वन, डू योर रिसर्च थरली. सबसे पहले जब आप होम बाय कर रहे हैं तो थरो रिसर्च करना बहुत जरूरी है. आपको पता होना चाहिए कि वो एरिया कैसा है, क्या फैसिलिटीज हैं और फ्यूचर में कैसा या कितना डेवलप हो सकता है. नंबर टू, क्रिएट अ बजट प्लान. दोस्तों बजट बनाना मत भूलिए. अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को समझकर एक साफ प्लान बनाइए. कितने तक का घर ले सकते हैं उसके हिसाब से बजट तय करें. नंबर थ्री, बिल्डर को जान लो अच्छे से. बिल्डर का पिछला काम देखो, उनके पास्ट प्रोजेक्ट्स और रिव्यूज पढ़ो. किसी भी बिल्डर की क्रेडिबिलिटी जान लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर फोर, लोकेशन मैटर्स. लोकेशन का चॉइस मत भूलो. देखो कि आसपास क्या है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट, ये सब चीजें देखो कितना दूर है और फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल भी चेक करो कि क्या ये एरिया आगे जाके ग्रो करेगा या नहीं करेगा, किस तरीके की यहाँ पे डेवलपमेंट्स होने वाली हैं एंड इन फ्यूचर अगर मैं ये अपनी प्रॉपर्टी बेचता हूँ तो मुझे किस तरीके का यहाँ पर अप्रिसिएशन मिलता है. नंबर फाइव, अंडरस्टैंड द लीगलिटीज. लीगलिटीज को इग्नोर मत कीजिए. प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं ये पता कीजिए. लैंड पर ड्यूज कितना है, क्या लैंड फुली पेड अप है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो एंड आपकी रजिस्ट्री जैसी चीजें बहुत ही स्मूथली हो जाएं. नंबर सिक्स, प्लान फॉर होम लोन. अगर आप लोन पर जा रहे हैं तो आप अच्छे से प्लान करो. इंटरेस्ट रेट, ईएमआई कैलकुलेशंस, इन सब चीजों को समझ लो. आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से ही आप लोन प्लान कीजिए. नंबर सेवन, लर्न नेगोशिएशन स्किल्स. नेगोशिएशन स्किल्स भी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. इंडिया में सब कुछ नेगोशिएबल होता है. कब और कैसे नेगोशिएट करना है ये आपको सीखना है ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट डील मिले. सो गाइस, दीज वर फ्यू ऑफ द टिप्स जो कि आप अगर ध्यान में रखेंगे जब आप घर खरीदने वाले होंगे तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे. एंड इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे जानना है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर ऊपर दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं. साथ ही साथ आपको यहाँ के प्रोजेक्ट, नोएडा के अराउंड के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो नोएडा में हो, नोएडा एक्सटेंशन में हो, ग्रेटर नोएडा में हो या फिर गाजियाबाद में हो, इन लोकेशन में से आप अगर कहीं पे भी होम प्लान कर रहे हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना है तो उसकी कंसल्टेशन के लिए भी आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं. हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी. एंड उसी के साथ साथ हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन. ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल रियलिटी 360 डिग्री फॉर मोर सच वीडियो एंड हैप्पी होम हंटिंग.